जो हादसा हुआ है, पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं कि एक बकरी का फार्म यहाँ पे एक इसी गांव के अंजार आलम नाम के व्यक्ति जिनका ये फार्म है, वो बकरियों का कारोबार करते थे, बकरियाँ पाला करते थे, लेकिन अचानक आज रात, अब ये आग लगी है या किसी के द्वारा लगाई गई है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और सामने कैमरे के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं कि बकरियाँ बिल्कुल बुरी तरह से जलकर यहाँ पर राख हो चुकी है, ये ऊपर भी देखिए नीचे भी देखिए, पूरा फार्म जलकर तबाह हो चुका है अचानक आग लगने की वजह से। अब कैसे आग लगी ये अभी मालूम नहीं हुआ है। गांव के यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस घटना के बारे में कि हुआ कैसे ये। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन जी। कहाँ से हैं आप? मैं डुमरिया का ही हूँ। डुमरिया के ही हैं जी। तो कुछ बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ है? देखिए, इसकी सही जानकारी हम लोगों के पास नहीं है कि आग लगी कैसे। रात को 11:15 बजे कुछ लोग रात को उठे थे, अचानक देखता है कि इधर आग लगी है। उसके बाद जो अंजार भाई इसका मालिक मालिक है जी, इस फार्म हाउस का, वो चले गए थे। गांव का एक शादी था, वो बारात चला गया था। बारात में उसको फ़ोन करके बताया गया कि आपका फार्म हाउस में आग लगा है। बहुत परेशान लोगों को, फिर हल्ला हुआ, बाद में सब कोई आए, चारों तरफ से तार से घेरा हुआ है। अंदर आए लोग बाल्टी से, यहाँ मोटर भी लगा हुआ नहीं था, बुझाने की कोशिश किए। तब तक देखा गया कि पूरे फार्म हाउस जलकर खाक हो चुका है, और उनमें से 35-33 बकरी था, उनमें से एक ही बचा है, बाकी सारे जल के खाक हो चुका है। बिल्कुल पूरे पूरी तरह से हमारे सामने भी, हाँ, पूरे सामने देख सकते हैं, हाँ, पूरा जल के खाक हो चुका है। तो ये जो अंजार भाई जिनका आप नाम बताए कि फॉर्म के जो मालिक हैं, तो उनका और दीगर कोई कारोबार है या नहीं? इसी से वो मैंने पालन पोषण कर करते, मैंने जब लॉकडाउन लगा था ये रहते थे असल में बाहर में। अच्छा। जब लॉकडाउन लगा तो ये आकर के सोचा कि मेरा ये ज़मीन खाली पड़ा है, मैं इसी से एक नया फार्म हाउस खोलूंगा और इसी से मैं आगे जा करके मैंने बिजनेस बढ़ाऊँगा। वो किसी से कर्ज लेकर के और मैंने खर्चा लेकर के मैं बिजनेस शुरू किए, और देख आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कितना खर्चा लगाया उसको शुरू किए, और शुरुआत ही था उसका बिजनेस, अभी 6-7 महीना हुआ उसका बिजनेस स्टार्टिंग करने का। इस बीच ये हादसा हो चुका है, और हादसे में इतने सारे नुकसान हुआ, तो हम लोग भी कह नहीं पाते हैं कि आग लगी कैसे या कोई लगाया गया, ये हम लोग के पास कोई तहकीकात नहीं है। आप आगे देखें क्या होता है इसके बारे में। तो आप लोग गांव के हैं, तो अंजार भाई के लिए क्या कुछ मांग करना चाहते हैं कि जब उनके साथ इतना बड़ा एक हादसा हो गया, अब जो वो कारोबार शुरू किए थे, अभी आपने बताया कि वो बाहर रहते थे, वहाँ से कमा करके अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक सुझाव आया कि अब लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो घर पे ही कुछ किया जाए। तो उनको ये तरीका सुझाया कि बकरी का फॉर्म किया जाए और इसके ज़रिए से अपने परिवार का परवरिश किया जाए। लेकिन अब अचानक उनके साथ इतना बड़ा एक हादसा, इतना बड़ा नुकसान, इसके लिए आप प्रशासन या सरकार से उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अंजार भाई का इस हालात में बहुत साथ दें, जो भी हो उनसे, सरकार से, यहाँ का ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर है, पंचायत है, ब्लॉक लीडर है, उनसे भी गुजारिश करूँ को यहाँ आए और आकर के देखें यहाँ के हालात, और अंजार भाई का हालात खास करके। इसके अलावे अंजार भाई के पास अभी हम लोग देखते हैं कोई, उसके पास कोई कारोबार नहीं है, कैसे चलेंगे वो आगे, अपने फैमिली को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग इस ये सोच करके बहुत परेशान हैं। अच्छा। मैं चाहूँगा और गुजारिश भी करता हूँ यहाँ के लीडर और ब्लॉक के लीडरान से, और ब्लॉक का जो वीडियो है उनसे भी कहूँ, गुजारिश करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से वो यहाँ पर इस खबर को पाए और अंजार भाई का कुछ मदद करें। ये भाई साहब की का कहने का मतलब कि अंजार आलम पहले बाहर रहते थे, वहाँ से अपने परिवार का परवरिश करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में जब बाहर जाना आना बंद हो गया, तो एक सुझाव आया दिमाग में कि कुछ किया जाए। तो उनका तरीका कि एक बकरी का फॉर्म बना करके इसी पर काम किया जाए और इससे ही 2 रुपए कमा करके अपने परिवार की परवरिश की जाए। जो थोड़ी बहुत उनकी ये ज़मीन है, इस पर उन्होंने ये फार्म बनाया, काफ़ी खर्च भी किया, भाई साहब बता रहे हैं जाली जुलियाँ लगाई गई है चारों तरफ खेत के, और इसके बीच में ही ये फार्म था। अब ये तो ये आग लगी कैसे, इसका अभी कोई कन्फर्म नहीं हुआ है, ये प्रशासन को खबर हुई है इसके बारे में? खबर हुई है, वहीं पर गया है वो। अच्छा। थाना गया है, अंजार थाना में है अभी। अच्छा अच्छा, अभी थाना में ही है। चलिए, प्रशासन को इसकी खबर हो चुकी है, अब वो यहाँ पे आएंगे, मामले की तहकीकात करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से, आइए थोड़ा सामने से आपको व्यू दिखाते हैं और दो एक लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है। एक व्यक्ति के साथ जो ये शुरुआत करते हैं अपने एक कारोबार की, और उनके साथ एक अचानक इस तरह का हादसा, जो आग लगने की वजह से आप देख ही पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। एक जो ये बकरियाँ हैं जल करके बिल्कुल पूरी तरह से राख हो चुकी है,
तो देखा आपने चाकोलिया टाइम्स न्यूज़ 24 चाकोलिया के माध्यम से, मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? एमडी अकबर हुसैन। इसी गांव के हैं आप? नहीं, हम थोड़ा इधर से प्राय सफर पड़ गए। अच्छा अच्छा, खबर सुन के आप यहाँ आए? हमें खबर सुनलाम सकाले सकाले हमें चौका आसलम आसलम दोकने दोकने आसलम এরকম ব্যাপার अंजर भाई के बोले दोकान जुले गए ये बोकरे फार्म छिलो তারপর আসলাম আসার পরে দেখলাম এরকম ব্যাপার। কিন্তু আমাদের আঞ্জারের সাথে অনেক দিন থেকে পরিচয় আছে, কিন্তু অত্যন্ত গরিব উনি, এটার উপরে নির্ভর করে খাচ্ছিল, ফার্ম করেছিল, ফার্মটার উপরে নির্ভর করেছিল। লকডাউনের পর লকডাউন যখন শুরু হলো তখন উনি বাইরে থেকে এখানে চলে আসলো, আসার পরে হয়তো ওনার দিমাগে আসলো একটা ফার্ম খুললো, ফার্ম খুলে কিছু এটার থেকে সংসার চলছিল। তারপরে কালকে ছিল বিয়ে, আমরাও ছিলাম ওখানে, উনিও ছিল ওখানে। তারপরে ওখান থেকে আসার পথে আমরা আবার তাড়াতাড়ি আসলাম, আসার পরে কিছুক্ষণ পরে দেখছি এরকম ব্যাপার। তো এখন সরকারের কাছে এটা আমাদের নিবেদন, আমাদের যে যেন ওনাকে কোনো সাহায্য করা হোক, কীভাবে সংসারটা ঘটে গেছে। তো মানে আঞ্জার আলম যে কথাটা আপনি বললেন, আঞ্জার আলম ব্যক্তিগত হিসাবে কিরকম মানুষটা? ব্যক্তিগত হিসাবে অত্যন্ত ভালো, দেখতেও ভালো, চরিত্র ভালো, কিন্তু অত্যন্ত গরিব। গরিব গরিব মানুষের সাথে বলা চলা ব্যক্তিগত ব্যবহার কিরকম? ভালো, খুব ভালো। মানে আপনি কি বলতে পারবেন যে এটা যেহেতু কারো মাধ্যমে করা গেছে না, তাহলে আমরা, আমি তো এই গ্রামের না, তাহলে এতদূর বুঝতে পারছি যে মানুষের মধ্যে তো কার কতটুকু কি আছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু এই যে ইলেকট্রিক তার ছিল এই তারের কোনো বিফল হয়েছে নাকি এখানটায় আমার মনের মধ্যে ধারণা। ঠিক, তো ইহাঁ নাই বাতা পা রে কোকি কিস তরহ সে হুয়া, কিউকি রাত মে আগ লাগি থি, অচানক অচানক রাত মে আগ লাগি থি, আর জব তক লোক ইসকি লোগোকো ইসকি খবর হতি তব তক ইয়ে জল চুকা থা, লোগোনে কোশিশ ভি বহুত কিয়া, পানি উনি ভি ইয়াহ পে বহুত, লেকিন নাই বাচা পায়া, জো হোনা থা ও হো গয়া আঞ্জার আলম কে সাথ। চাচা হামারে সাথ মৌজুদ হ্যায়, ক্যা নাম হ্যায় চাচা আপকা? শমীম আখতার। শমীম আখতার, ইসি গাঁও কে হ্যায় আপ? জি, মে মেরা ভতিজা হ্যায়। আচ্ছা, তো আঞ্জার আলম কে সাথ জো ইতনি বড়ি ঘটনা ঘটি হ্যায়, ইসকে বিষয় মে কুছ আপকো আগর জানকারি হো কাইসে? মে তো ইয়ে অর্জ করনা চাহতা হুঁ কি ইয়ে হামারা আপনা ভাঞ্জা ভতিজা হ্যায় আঞ্জার আলম, আর মে কাই মহিনো সে জো ইয়ে কাম ও কারোবার শুরু কিয়া হ্যায়, আর হামারে সামনে মে দেখা মে কি বহুত ও জো হ্যায় কমজোর ভি থা, ও লাগর ভি থা, और इससे पहले वो बाहर देश में रहा करता था, और ये लॉकडाउन की वजह से जो है वो बाहर नहीं जा सका। इसी बिना पर जब वो दिल में ख्याल आया उसका कि मैं जो है छोटा मोटा जो कोई फार्म करूं कि मेरा कारोबार चले, इसी वजह से जो है ये जो है कारोबार शुरू किया था वो। और कुछ ही दिनों में जो है चल रहा था अच्छा, तकरीबन वो जो है 30 या 40 जो है बकरियाँ शुरू हुआ था। शुरू में तो पहले उसका 2-4 ये था जानवर था, अब कई महीनों में जो है मैं देखा कि 30 तक पहुंच गया था, तकरीबन डेवलपमेंट अच्छा ही था, कारोबार उनका बढ़िया चल रहा था। हाँ, चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन आज ऐसा अचानक हादसा हो गया कि मैं भी जो है उनके साथ मैं भी था, दोनों हम लोग बारात गए थे शादी में। अच्छा, अंजार आलम साहब की किसी के साथ किसी तरह की कोई व्यक्तिगत हिसाब से कोई रंजिश या दुश्मनी या कुछ ऐसा? तो कोई वैसे दुश्मनी से ऐसा नहीं, जाहिर नहीं, मैं पता नहीं चला था, कोई बात नहीं तौर पर ऐसा तो कोई नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन वो जो है तू क्या चाची माँ अंजार माँ तु इधर अत्य बड़का जो घटना यहाँ हंगेल तो कुछ कहा पाबो यार बिरा के अंजार मतलब कारो संगे दुश्मनी क्या मत दुश्मनी तो आखिर तक नहीं पाओ, कारो दिलेर बात कहा नहीं जाए, मगर आखिर नजर देखा दुश्मनी नहीं देखो जी। अब आला इधर अचानक हंस जाएंगे रात के भात पर लिखा सूते गेन वरा बारा चले गए, तो मोर बेटी छोटा पैसा बोला तो माँ बकरी गोरा आगिन दौड़ता है वन वो से गेट देखो तो आगिन ठुको से निकलो छे एक बकरी खाली निकली या गोटा बकरी भेबा छे ना जा बेस्ती हल्ला हल्ला को सब गए उल वो से अगुन टाटी छुटाए फला ले आगिन तर बत पानी दे मिगा ले तब तक इला जले गई तब दे सब ला जले खत्म सब जले खत्म हो गेल सहवाल लायक नहीं बेटा अब तुम सार मंजूर की करब नी कर मोर छा पर कोई हेल्प करो तुमरा बाप माली हालत कहे हुए समझे अंजार जगह जमीन कुछ नहीं हुआ बाहर बाहर जगह जमीन हुआ कुछ नहीं हुआ तो फर्क के दिए हुआ। अच्छा, फर्क से हुआ तो बाहर से हुआ यही डा कारोबार निकल कर चलो चल। हाँ, यही डा कारोबार चलो चल बाबू गए यही बड़का एक वार संगे हादसा हंगे ओ यही कारोबार चलो चल और कुछ नहीं वार से सहारा दे जगह जमीन कुछ हुआ कोई सहारा नहीं वह वार आला वार भाभरो नहीं सहारा ले बढ़िया थी चल फिर खा बेटा बढ़िया से चल वर्मा पंचायत चाकोलिया थाना अंतर्गत दक्षिण टोला डुमरिया गांव जहां एक बकरी का फार्म
मैं दिखा चुका हूँ आपको कैमरे के माध्यम से और अभी दिखा रहा हूँ, और जो इस तरह का एक यहाँ पे दर्दनाक हादसा, मैं भी अपने चैनलों के माध्यम से लोकल प्रशासन से, हमारे ब्लॉक के ऑनरेबल वीडियो सर से भी गुजारिश करूँगा कि जो इनके साथ एक इतना बड़ा हादसा, जो इसी कारोबार पे इनका हर कुछ डिपेंड करता था, आज इतना बड़ा हादसा, इनकी बकरियां जलकर राख हो गई। अभी अंजार आलम यहाँ पे मौके पे नहीं है, वो प्रशासन के पास गए हुए हैं, भाई साहब बता रहे थे। तो जहाँ तक हो सके वीडियो सर से भी मैं कहूँगा कि आप आएँ और देखें और जितनी हो सके इनकी मदद की जाए। अंजार आलम की वाइफ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे दो बात करेंगे। तुम सारे गए क्या? गए हाँ हाँ। कसे के आगे लगे कुछ कहा पाबो नहीं पाऊँ को नहीं देख किसने नहीं देखी आगे लगे तो देखी आगे लगे और बात देखी लो कतला बकरी छिलको 33 अच्छा तो यहीडा बकरी फार्म से ही तुम सार मतलब देखे चलो छिल रोजी रोजगार अभी शुरू करी नो अभी शुरू ही गेलो यहाँ से पहले की कर छिलको भाई भारत अच्छा अच्छा चल ठीक छे तो ये एक सदमा कहिए कि आँखों के सामने जब इस तरह का एक हादसा हो जाता है, जब खुद की संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो लोगों को बहुत बड़ा चोट लगता है। मैं फिर से एक बार हमारे लोकल प्रशासन से, राज्य सरकार से सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अंजार आलम की कुछ मदद की जाए, जिस तरह से वो इस हादसे के शिकार हो गए। तो ये शाहपुर 2 ग्राम पंचायत के दक्षिण टोला डुमरिया से मैं आपको दिखा रहा था कुछ तस्वीरें जो यहाँ पर एक हादसा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएँ। बक्का डुमरिया से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।